इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होलिक्स बनाए बच्चों को डॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर अब प्रमाणित सतमोला कच्चा आम आयुर हर्बल गोल्ड क्रीम यानी नॉन ऑयली नॉन स्टिकी स्किन Justice. जब भी मैं राशन लेने जाता हूँ तब ये कहते हैं कि राशन आज आया नहीं है आया है तो कल आना या परसों आना रोज की ये दिक्कत है 500 रुपए दो तो मैं राशन कार्ड बना के दूंगा और नहीं तो ना हमारे पास टाइम नहीं है कहा करो शिकायत कोई सुनने वाला है भी कोई हिंदुस्तान में नहीं सुनता और ऊपर से जूते मारते हैं चार जब वहाँ से पूरा सामान आता हमें क्यों नहीं मिलता गरीब लोगों को बाकी माँ कोई सुनवाई नहीं होती ज्यादा बकवास करो तो धक्का मार के बाहर कर देते हैं कि जाओ जो तुम पे करा जा सुपर एक साल है कुछ नहीं देते और हम जाते हैं तो कह देते हैं दफ्तर जाओ और दफ्तर क्या जाओ जब तुम नहीं दे रहे तो अब यही चाहते हैं कि हमें चीनी शक्कर मिले राशन हमारा पूरा मिले तेल मिले हमें यही चाहते हैं जब दांत ना थे तब दूध दिया अब दांत दिए तो क्या दाना ना देगा जी नहीं अगर आप सजग और जागरूक उपभोक्ता नहीं हैं, तो आपको दाना यानी बढ़िया राशन नहीं मिल सकता बढ़िया राशन की तो बात छोड़िए पहले तो आपको राशन ही नहीं मिलेगा सरकारी गोदामों से निकलने के बाद राशन दुकानों तक तो पहुंच जाता है लेकिन बदकिस्मती से लोगों के घरों तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि हमारे देश में राशन की कालाबाजारी करने वालों की कमी नहीं है और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं क्योंकि जब देश में जानवरों का चारा सुरक्षित नहीं है तो फिर इंसानों का चारा सुरक्षित कैसे हो सकता है खाद्यान्नों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक सिस्टम बना रखा है जिसका नाम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जन वितरण प्रणाली यह सिस्टम देश के कोने कोने में फैला हुआ है इसका काम है लोगों तक खासकर गरीबों तक राशन पहुंचाना पर हर सिस्टम की तरह पीडीएस भी दोष रहित नहीं है इसके वितरण व्यवस्था में भी लोगों ने सेंध लगा रखी है राशन का वितरण सही ढंग से नहीं हो पाता जिसके कारण राशन आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा भेजा गया राशन आप तक कैसे पहुंचता है और कम राशन या फिर खराब राशन मिलने की वजह क्या है आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिला रहे हैं जिसके जीवन का एक ही मकसद है लोगों को सूचना अधिकार के बारे में बताना और लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ये हैं अरविंद केजरीवाल इन्हें वर्ष 2006 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया ये गैर सरकारी संस्था परिवर्तन के संस्थापक सदस्य हैं इनका मानना है कि लोगों तक राशन नहीं पहुंचने की एकमात्र वजह है डीलर द्वारा की जा रही राशन की कालाबाजारी इस कालाबाजारी को बंद करने के लिए ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं एक पहला केस हुआ था एक लेडी आई जिसका नाम था त्रिवेणी उसने हमसे जब कहा तो हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन में एक एप्लीकेशन डाली उस बना के दी उसको और उसने ये एप्लीकेशन डाली कि मेरे को ये बताओ कि मेरे नाम से पिछले 3 महीने में कितना कितना राशन इशू हुआ उसको 6 महीने से राशन नहीं मिला था और जब उसने ये एप्लीकेशन डाली तो उसको 1 महीने में जवाब आया कि आपके नाम से हर महीने 25-25 किलो गेहूं और 10-10 किलो चावल इशू हुआ और उसके पास कैश मेमोज़ की जो कॉपी आई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में उन कैश मेमोज़ के ऊपर उसके अंगूठे के निशान थे जबकि वो साइन करती है और वो पढ़ी लिखी महिला है अब अगर त्रिवेणी इसके ऊपर एक्शन लेती
तो हो सकता है कि उस दुकान वाले की दुकान कैंसिल हो जाती, लेकिन इसके पहले कि वो एक्शन लेती वो दुकान वाला दौड़ा दौड़ा आया उसके पास और उसके पैरों में गिर के माफ़ी मांगने लगा और कहता है कि बहन जी अब से मैं आपको पूरा राशन दूंगा, और तब से त्रिवेणी को पूरा राशन मिल रहा है। देश की जनता को बढ़िया किस्म का राशन कम कीमत पर मिल सके, इसके लिए सरकार राशन कार्ड देती है। इस कार्ड की मदद से गरीबी रेखा से भी नीचे गुजर बसर करने वालों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो की दर से चावल दिया जाता है। राशन वाला राशन की कालाबाजारी करना चाहता है, उसको सरकार से राशन मिलता है बहुत सस्ता। अंत्योदय में 2 रुपए किलो गेहूं मिलनी चाहिए, BPL पे 4 रुपए 65 पैसे किलो गेहूं मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो राशन वाले को जो राशन आता है वो राशन वो इसकी पूरी कालाबाजारी करना चाहता है, क्योंकि मार्केट में गेहूं जो है वो 8 रुपए 10 रुपए किलो है, तो वो बैलेंस जो है वो कमाना चाहता है। तो उसका पूरा कोशिश ये रहता है कि उसको कम से कम लोगों को कम से कम राशन दे और बाकी सारे की कालाबाजारी करें। भारत सरकार हर राज्य की मांग के अनुसार हर महीने उनके राशन का कोटा तय करती है। तय किए गए कोटे के मुताबिक FCI यानी फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया सभी राज्यों को राशन देती है। गेहूँ केवल 3 या 4 स्टेट में होता है और उसको पूरे भारतवर्ष में PDS के थ्रू बांटने के लिए FCI ही पहुँचाती है स्टोर करने के बाद। इसी तरह से गेहूँ के साथ साथ जो राइस चावल हम PDS में बांटते हैं वो भी केवल 5 स्टेट में होता है और बाकी सारे 29 स्टेट्स में उन्हीं 5 स्टेट्स में हम भारतीय खाद्य निगम पहुँचाते हैं। आप 35 किलो राशन था तब मैं 20 किलो तो गेहूँ देता है और 5 किलो चावल देता है। जब जाते हैं दुकान पर दुकान बंद पाती है, दफ्तर में जाते हैं तो वो भी उल्टे सीधे बोलते हैं, वो भी बात नहीं करते। काफ़ी दिन हो गए राशन बने हुए, कुछ भी नहीं मिलता। 2 बार गेहूँ मिले हैं 10 किलो और कुछ भी नहीं देते, ना चावल देते ना चीनी देते ना तेल ही देते। पहले दुकान पर राशन आता था तो फुल दुकान भरी रहती थी, दुकान में कोई खाली नहीं रहती ज़रा सी भी। अब तुम दुकान में बोरी मत देखना, बस एक ही दिन के लिए आएगी बोरी, 20 लिया या 30 लिया जो भी लिया बस उसी में करना है उसे। फिर कह देगा ख़त्म हो गया, 4 दिन बाद आके तुम देखना, फिर चक्कर लगाते रहो पूरे महीने। लोगों को बढ़िया किस्म का राशन मिले इसके लिए पहले FCI के लैब में अनाज की जांच की जाती है, जिसके बाद इसे अलग अलग राज्यों को भेजा जाता है। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से FCI द्वारा भेजे गए राशन की जांच करती है। इतनी कड़ी जांच पड़ताल के बावजूद भी लोगों तक अच्छा राशन नहीं पहुंच पाता तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अनाज भी जाए बिल्कुल छना हुआ बारीक मिलेगा और बारीक मिलेगा उसमें भी कम तोल लेंगे, तो जब 10 किलो में 8 किलो गेहूँ रह देंगे तो हम ला कर क्या करेंगे, रपा किलो हम पिसाई का दे देंगे। भारतीय खाद्य निगम जो खरीद करता है उसको प्रिजर्व करता है अपने डिपो में जो साइंटिफिकली मेंटेन रहते हैं, वहाँ भी हमारा स्टाफ रहता है और प्रॉपर प्रिजर्वेशन के लिए उसका फ्यूमिगेशन किया जाता है, केमिकल लगाए जाते हैं। वो खाद्यान्न जब हम राज्य सरकार को देते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि वही क्वालिटी जो हमारे मानक है उनके अनुसार दी जाए। राज्य सरकार भी उस क्वालिटी को जब लेती है, उस खाद्यान्न को लेती है, तो वो लिख के देती है भारतीय खाद्य निगम के जो डिपो इंचार्ज हैं कि उन्होंने क्वालिटी जो एज़ पर नॉर्म्स है वो चेक कर ली गई है और सही पाई गई है, उसके बाद ही वो राशन की दुकान पे खाद्यान्न पहुंचता है। इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है कि खाद्यान्न जो पहुंचता है वो उस क्वालिटी का नहीं होता जिस क्वालिटी को भारतीय खाद्य निगम देता है। होलिक्स बनाए बच्चों को डॉलर स्ट्रॉन्गर शार्पर अब प्रमाणित। खट्टी मीठी जिंदगी में खट्टे मीठे रंग, सतमोला कच्चे आम के संग। एक कुछ करना जब छाए इसका जादू, हर दिल गुनगुनाए, सबको लगता प्यारा सतमोला कच्चे आम का छटकारा। सतमोला कच्चा आम। सफेद बालों से परेशान, सफेद बालों को काला करें सिर्फ 10 मिनट में।
राशन की कालाबाजारी के लिए जिम्मेदार कौन है? कुछ लोगों का मानना है कि राशन की कालाबाजारी दुकान से शुरू होती है और इस कालाबाजारी में डीलर का साथ देते हैं भ्रष्ट नेता और सरकार के अधिकारी। दूसरी वजह वितरण प्रणाली की खराब व्यवस्था भी है। अगर राशन कार्डधारी को अपनी मर्जी के मुताबिक राशन की दुकान चुनने की आज़ादी मिल जाए तो इस राशन की कालाबाजारी को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। राशन वाला अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है हर तरीके से कि राशन कार्डधारी जो है वो उसकी दुकान तक आए ना। आधे से ज़्यादा बार तो दुकान खुलती नहीं है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और दुकान बंद देख के घर चले जाते हैं। जिनको दुकान खुली भी मिलती है उनको या तो कम तोला जाता है या ज़्यादा दाम लिए जाते हैं, उनको दुकारा जाता है, गंदा राशन दिया जाता है। हर तरह से दुकान वाले की कोशिश होती है कि लोग राशन ना लें जिससे कि वो सारा राशन उसके पास बच जाए और वो उसकी कालाबाजारी कर सके, तो वो तरह तरह से ये कोशिश करता है। आपका राशन कार्ड केवल एक दुकान पर फिक्स कर दिया, अगर ये राशन वाला राशन ठीक से नहीं दे रहा तो मैं कार्डधारी हूँ, मेरे पास ये गुंजाइश होनी चाहिए कि मैं किसी भी राशन वाले से राशन ले सकूँ। अगर ये आप कर देंगे तो राशन वालों के अंदर इंटरनल कॉम्पिटिशन बन जाएगा। आप ये एक चीज़ कर दीजिए तो देखिए कि सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। राशन डीलर पर सरकार की इस कदर मेहरबानी रहती है कि अगर आप डीलर के खिलाफ आवाज उठाते भी हैं तो आपको न्याय देने के बजाय वे दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं जिससे आप डर जाएं और दोबारा इनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत ना कर सकें। सरकार अगर चाहे तो जिस दिन चाहे सरकार, जैसे हमारे यहाँ पे संतोष है उसके ऊपर हमला हुआ और हमला होने के बाद वहाँ के लोगों ने ये तय किया कि वो एक महीने तक अपना राशन नहीं लेंगे, और जब उन्होंने ये तय किया तो दिल्ली सरकार को लगा कि इनकी ये जो कॉल है जो लोगों ने कहा कि हम उस इलाके में राशन नहीं लेंगे, तो लोगों वहाँ पे इंस्पेक्टर को बुला के दिल्ली सरकार ने कहा कि यहाँ दुकानें ठीक टाइम पे खुलनी चाहिए और अगर दुकानें ठीक से नहीं खुली तो इंस्पेक्टर की नौकरी जो है ले ली जाएगी। और अचानक 1 फरवरी से सारी दुकानें खुलने लग गई। 9 बजे दुकानें खुलती थी, शाम को 7 बजे तक खुलती थी और राशन वाला घर घर जाके लोगों को कहता राशन आ गया ले लो। तो उस एक महीने में ऐसा क्या हो गया? वही राशन वाले, वही इंस्पेक्टर, वही सरकार, तो सारी की सारी सत्ता तो इंस्पेक्टर के हाथ में है। इंस्पेक्टर जिस दिन चाहे उस दिन स्विच को ऑन कर सकता है, स्विच को ऑफ कर सकता है, पूरी व्यवस्था को ठीक भी कर सकता है, पूरी व्यवस्था को खराब भी कर सकता है। तो आप सारी की सारी जिम्मेदारी अगर इंस्पेक्टर के ऊपर लगा दें कि अगर कोई गलती हुई तो इंस्पेक्टर की नौकरी ले ली जाएगी, देखिए सारी व्यवस्था रातों रात सुधर जाएगी। तो इसके लिए तो पूरी की पूरी तरह से अफसर जिम्मेदार हैं अगर व्यवस्था नहीं चल रही। उनकी नौकरी पक्की है, उनको किसी तरह का डर नहीं है, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, पूरा पैसे बांट रहे हैं उनके साथ, राशन वालों के साथ और नेताओं के साथ, तो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार है। जब मेरे पर अटैक हुआ तो लोगों ने अपने राशन का वर्कआउट किया, 1 महीने के राशन का बहिष्कार किया, और जो बहिष्कार किया तो लोगों ने जाकर कहा कि आपको ये राशन की निगरानी करना पड़ेगा जो हम राशन छोड़ेंगे। तो पहली बार फिर 5 मार्च को जब रिकॉर्ड देखे गए, जब रिकॉर्ड देखे गए तो पता चला पहली बार हमारे देश में ऐसे रिकॉर्ड मेंटेन किए राशन वालों ने, कोई राशन की चोरी नहीं थी सर्कल 45 में। उसके बाद CM ने भी एक ऑर्डर कर दिया कि एक ऐसा ऑर्डर पास कर देते कि राशन की चोरी क्यों होती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता कि उनके रिकॉर्ड्स में है क्या। बट तो एक ऑर्डर पास किया गया कि महीने के पहले और तीसरे और चौथे शनिवार को किसी भी कार्डधारी को राशन नहीं मिलता तो अपने राशन सर्कल में जाकर अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। और ऑर्डर भी बहुत अच्छा है, अगर दुकानदार ने एक भी ऑफेंस किया तो उसकी दुकान तुरंत 24 घंटे में सस्पेंड कर दी जाएगी। अगर आपको वो सारी सुविधाएं आपके राशन कार्ड पर नहीं मिलती हैं जिसके आप हकदार हैं तो आप इसकी शिकायत बेझिझक उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं। आप उपभोक्ता हैं, ये आपका अधिकार है। चुप मत बैठिए, आगे बढ़िए और अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कीजिए। अब आप जब भी राशन खरीदने जाएं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अंत्योदय कार्ड गरीबी रेखा से भी नीचे गुजर बसर करने वालों को जारी किया जाता है। इस कार्ड के अंतर्गत गेहूं 2 रुपए प्रति किलो की दर से और चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों को पीला कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड के अनुसार गेहूं 4 रुपए 65 पैसे प्रति किलो की दर से और चावल 6 रुपए 15 पैसे प्रति किलो की दर से दिया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करने वालों को सफेद कार्ड जारी किया जाता है।
इस कार्ड के अनुसार गेहूँ 6.80 रुपए प्रति किलो की दर से और चावल 9 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। एक परिवार में कितने भी सदस्य हों, लेकिन गेहूं 15 किलो और चावल 20 किलो ही मिलता है। अंत्योदय और पीला कार्डधारियों को ही चीनी मिलती है। सभी कार्डधारियों को कैरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल 15 रुपए प्रति लीटर की दर से दिया जाता है। राशन की दुकान पर FCI द्वारा भेजे गए सैंपल का होना कानूनन जरूरी है। चिप करती कोल्ड क्रीम्स को कहो गुड बाय अयूर हर्बल कोल्ड क्रीम, जिसमें है एलोवेरा जो बनी है खास आपके लिए, यानी नॉन ऑयली नॉन स्टिकी स्किन हमेशा। घड़ी डिटर्जेंट, ताकि आप पाए हर धुलाई बेहतर और भी बेहतर। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। परसों से जानी मानी ब्लैक रोज काली मेहंदी। एक ऐसी पत्रिका जो आपके अधिकारों से आपको अवगत कराए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कंज्यूमर वॉइस PO बॉक्स नंबर 3306 नई दिल्ली 14। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उठाइए पेन और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अधिकार BKP मीडिया विजन FC 16 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। आप हमें फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0120-391-8946 0120-391-8948। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा SMS नंबर है 9311115647। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है bkp.adhikar@rediffmail.com। SMS या ईमेल करते समय आप अपना नाम और पता लिखना ना भूलें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हम अपने दर्शकों का खास ख्याल रखते हैं और इसलिए हमने अपने दर्शकों की सुविधा के लिए एक सहायता केंद्र खोल रखा है, फैक्ट यानी फोरम फॉर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेनिंग, जिसमें आपके द्वारा बताई गई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फैक्ट यानी फोरम फॉर अवेयरनेस एंड कंज्यूमर ट्रेनिंग का पता है BKP मीडिया विजन FC 16 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। हमें आपके पत्र, ईमेल, फोन और SMS लगातार मिल रहे हैं। ये सिलसिला यूं ही बनाए रखें। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम देश भर के उपभोक्ताओं से जुड़ना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को सुनना चाहते हैं। इसलिए हमें आप उपभोक्ता अधिकारों के हनन से जुड़ी घटनाओं की पूरी जानकारी दीजिए। इसके साथ ही वे लोग जिन्होंने एक जागरूक उपभोक्ता की तरह अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की, वे अपने केस की पूरी जानकारी हमें भेज सकते हैं। हमारा पता एक बार फिर नोट कर लें, अधिकार BKP मीडिया विजन FC 16 सेक्टर 16A फिल्म सिटी नोएडा 201301 उत्तर प्रदेश। आप हमें फोन द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0120-391-8946 0120-391-8948।
आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा SMS नंबर है 9311115647। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर